हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम लेके आए हैं अहमदाबाद की बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। उसकी लोकेशन क्या है, उसका एडमिशन कैसे रहेगा और उसका प्लेसमेंट क्या है। सो आज के वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग कोर्स का ओवरव्यू के बारे में बात करें तो ये तो सबको पता ही है कि इंजीनियरिंग कोर्स 4 साल का कोर्स है, पर इसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले तो हर सेमेस्टर में आपको 5 से 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, उसके अलावा आपको प्रोजेक्ट करना रहता है, प्रैक्टिकल्स आएंगे आपके, लैब्स होंगे, वाइवा और प्रेजेंटेशन रहता है, इंटर्नशिप करनी रहती है और 4 साल के आखिर में आपको अपनी जॉब मिल जाती है। सो ये बेसिकली इंजीनियरिंग कोर्स का ओवरव्यू रहता है। अब हम बात करते हैं मेन इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स लिखी हुई है, सो इसमें से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। ये काफ़ी सब डिमांडेड है और इस सभी ब्रांचेस में अच्छा प्लेसमेंट रहता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट रैंक की कौन सी कॉलेज है अहमदाबाद के अंदर। सो फर्स्ट रैंक पे आती है निरमा यूनिवर्सिटी। इसका इंस्टीट्यूट प्राइवेट है और इसका लोकेशन है अहमदाबाद के अंदर। इसकी फीस की हम बात करें तो इसकी फीस 1 साल की 1,66,000 है और इसका एडमिशन गुजकेट प्लस जेडब्ल्यू मेन के हिसाब से होता है और इसका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है, 3.5 आउट ऑफ 5। इसका एडमिशन रहता है गुजकेट प्लस जेडब्ल्यू मेन, मतलब कि आपको एसईबीसी की वेबसाइट पर से गुजकेट की जो आपने एग्जाम दे रखी हो तो आप उससे अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको जेडब्ल्यू मेन के मार्क्स से इसमें एडमिशन लेना है तो आप डायरेक्टली निर्मा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हो। आप देख सकते हो ये इंजीनियरिंग का कैंपस काफ़ी बड़ा है और ये हाईवे पे आती है, अहमदाबाद गांधीनगर हाईवे पे, और ये इसकी मेन बिल्डिंग है। काफ़ी बड़ी जगह पे ये इसका कैंपस फैला हुआ है और ग्रीनरी इतनी अच्छी है और इसमें उसके अलावा हॉस्टल की भी फैसिलिटी आपको मिलती है। अब हम दूसरी कॉलेज पे आते हैं, वो है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी काफ़ी अच्छी है और ये माना जाता है कि गुजरात की ये फर्स्ट रैंक की इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ये आती है दूसरे नंबर पे। इसका लोकेशन भी अहमदाबाद के अंदर और इसकी 1 साल की फ़ी है सिर्फ 1,500। ये काफ़ी कम फी है, गवर्नमेंट कॉलेज है इसलिए। सो आप अगर आपके मार्क अच्छे हो तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और इसका एडमिशन टोटली गुजकेट के ऊपर ही होता है और इसका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है, 3.5 आउट ऑफ 5। अगर हम एलडी कॉलेज की बात करें तो ये इसका मेन एंट्री गेट है और ये गुजरात की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है। इसका एस्टेब्लिश ईयर था 1948। ये आप देख सकते हो कि ये एलडी कॉलेज की एनेक्स बिल्डिंग है और इसका कैंपस भी काफ़ी बड़े एरिया में फैला है। अहमदाबाद के नवरंगपुरा एरिया में ही आता है इसका कैंपस और ये इसका मैकेनिकल ड्राइंग हॉल है, काफ़ी बड़ा कैंपस है। तीसरी कॉलेज पे आते हैं, वो भी अगेन है गवर्नमेंट कॉलेज है, वीजीईसी विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, और ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसकी भी फ़ी सिर्फ 1,500 रहेगी 1 साल के लिए, और ये आता है अहमदाबाद गांधीनगर पे हाईवे पे, दोनों की बॉर्डर पे है, सो ये अहमदाबाद से थोड़ा दूर रहेगा और इसका भी एडमिशन टोटली गुजकेट के रिजल्ट से होता है और इसके लिए आपको एसईबीसी की वेबसाइट पर से लॉगिन करना रहता है। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट है इसका 3 आउट ऑफ 5। ये भी काफ़ी बड़ा कैंपस है, जैसे कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसका कैंपस भी काफ़ी बड़ा रहता है। ये इसकी मेन बिल्डिंग है और इसके अंदर भी फैसिलिटी में आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड रहती है, सो ये काफ़ी अच्छा है अगर आप कहीं और से आते हो पढ़ाई करने के लिए। अब हम आते हैं फोर्थ कॉलेज पे और वो है एलजे कॉलेज। ये एलजे कॉलेज पूरा ग्रुप है कॉलेज का, जिसमें काफ़ी सारी दूसरी भी एजुकेशन है, जैसे कि एमबीए है, कॉमर्स कोर्सेज है, पर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की तो ये इंस्टीट्यूट टाइप इसका प्राइवेट रहेगा, लोकेशन है अहमदाबाद के अंदर। इसकी फ़ी थोड़ी सी कम रहेगी निरमा के कंपेयर में, फीस है 75,000 1 साल की। अगेन एडमिशन की बात करें तो इसका एडमिशन गुजकेट बेस के ऊपर और प्लेसमेंट है 3 आउट ऑफ 5। इसका भी कैंपस काफ़ी बड़ा है, ये देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है एलजे कॉलेज की, मेन बिल्डिंग है एलजे कॉलेज की इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए, और ये फार्मेसी के है। इसके अलावा इसमें मैनेजमेंट स्टडी है, फार्मेसी स्टडी है। अब हम आते हैं फिफ्थ रैंक पे और वो है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। ये एक काफ़ी नई कॉलेज है और काफ़ी नई यूनिवर्सिटी है, सो थोड़ा सा आपको इसमें डाउट रहेगा कि एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पर ये भी काफ़ी अच्छी कॉलेज है। इसका इंस्टीट्यूट टाइप प्राइवेट है, लोकेशन है अहमदाबाद के अंदर। फीस की बात करें तो फीस है 1,70,000 जो काफ़ी हाई रहती है, बट फी काफ़ी हाई है बट इसका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। इसका हाईएस्ट पैकेज रहा था 16 लाख पर एनम का। अगेन एडमिशन की हम बात करें तो गुजकेट प्लस जेडब्ल्यू मेन और प्लेसमेंट है 3 आउट ऑफ 5। जेडब्ल्यू मेन से अगर आपको इसमें एप्लीकेशन देना हो तो आप डायरेक्टली वहाँ पे कैंपस पे जा सकते हो और उसकी वेबसाइट पर से एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। और ये इसकी मेन बिल्डिंग है, ये बड़ा सा कैंपस फैला हुआ है, इसमें अभी एमबीए प्लस इंजीनियरिंग की साथ में स्टडी होती है। इसके अलावा अभी इसमें एक और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे।
ये सिर्फ रह जाएगा इंजीनियरिंग के लिए। इसका कैंपस काफ़ी बड़ा है, ये आप अंदर से देख सकते हो, ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छा कैंपस है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी का। आप देख सकते हो इस साइड पूरा का पूरा एमबीए का साइड है और इस साइड इंजीनियरिंग का साइड है, अभी दोनों एक ही कैंपस में, बट बाद में दोनों सेपरेट हो जाएंगे। और ये लास्ट साल का कॉन्वोकेशन रहा था, इसमें काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, ये काफ़ी अच्छी कॉलेज है। और सिक्स रैंक पे आती है इंडस यूनिवर्सिटी, इसका इंस्टीट्यूट टाइप प्राइवेट है और इसकी लोकेशन आती है अहमदाबाद के अंदर। फीस की हम बात करें तो इसकी फ़ी 96,000 है और एडमिशन रहता है गुजकेट प्लस जेडब्ल्यू मेन्स से, और इसका प्लेसमेंट है 2.5 आउट ऑफ 5। ये एक काफ़ी नई यूनिवर्सिटी है बट ये अहमदाबाद से काफ़ी दूर आती है, अहमदाबाद से तो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी देखना पड़ेगा ये प्रोवाइड करता है या नहीं करता है। और ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आप देख सकते हो इसका भी कैंपस काफ़ी बड़ा है, इसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है, वो भी एक ही कैंपस में, हॉस्टल प्लस कॉलेज। अब हम आते हैं सेवन्थ रैंक पे और वो है सिल्वर रॉक कॉलेज, ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है, इसकी लोकेशन है अहमदाबाद के अंदर। फीस है 78,000 एक साल के लिए और एडमिशन टोटली गुजकेट के बेस पे ऊपर रहता है और प्लेसमेंट है 2 आउट ऑफ 5। इसका भी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये आप देख सकते हो कि ये इंजीनियरिंग की बिल्डिंग है सिल्वर रॉक कॉलेज की। अब बात करते हैं कि कॉलेज सिलेक्ट कैसे करें, यहाँ पे मैंने दिखाया कि कॉलेज तो काफ़ी सारी है बट इसको सिलेक्ट कैसे करते हैं, सो उसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के रखी है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर सजेस्टेड वीडियो में भी आप देख सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।